नमस्कार, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। अभी स्क्रीन पे जो तस्वीर आपके सामने है उसमें एक शख्स को तो आप बेहतर तरीके से पहचान पा रहे हैं, वो हैं राहुल गांधी, और उनके बगल में खड़े हैं मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा जो कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और इनका कांग्रेस से नाता जो है वो बहुत पुराना रहा है। जे एन मिश्रा इनके पिता का नाम हुआ करता था और वो किसी ज़माने में इंदिरा गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसके बाद में उन्होंने यहाँ से 89 का इलेक्शन भी लड़ा था कांग्रेस के टिकट पे। पुराने कार्यकर्ता हैं और जब हमारी बात हो रही थी कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राज बब्बर से, तो उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि हम लोग उपचुनाव में अक्सर कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं और इस चुनाव में भी हमने ऐसा ही किया। हम लोग फिलहाल कांग्रेस के दफ्तर में हैं, जो यहाँ पे चुनावी दफ्तर है कांग्रेस का, और हमारे जो चहलकदमियाँ जो गर्मजोशी हर चुनाव के बाद में, चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने के बाद में हर जगह दिखाई देती है, वैसे ही हमको कमोबेश कांग्रेस के दफ्तर में भी दिखी। इससे पहले हमने आपको भाजपा का दफ्तर दिखाया था। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पदाधिकारी जो इस चुनाव को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह। आप क्या अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस के? अच्छा, आप यूपी पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं, है ना? एक सेकंड, आइए बैठिए। हाँ जारी रख अवश्य। नमस्ते। तो ये चुनाव आपने यहाँ पे, आपके पार्टी की तरफ से किन किन नेताओं की रैलियाँ हुई हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान? सभी आए, राज बब्बर जी आए, श्री प्रकाश जायसवाल आए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए, डॉक्टर संजय सिंह आए, पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना आए, और तमाम सारे नेता कार्यकर्ता सभी लोग आए। केंद्र से कितने कुछ नेताओं का यहाँ आना हुआ क्या, मतलब जो केंद्रीय कमेटी है AICC से? देखिए, उपचुनाव में आमतौर से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें चुनाव में नहीं आता है, कांग्रेस की परंपरा रही है, लेकिन हमारे जो प्रदेश के नेता रहते हैं, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाता है और सब ये जानते हैं कि इस चुनाव में और इतना कम समय में हो रहा था कि मीटिंगों, बहुत ज़्यादा मीटिंग लगने से कार्यकर्ता इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास था कि हम हर गांव के गली कूचे में जाएं, उसके लिए एक प्रचार अभियान की रूपरेखा बनाई गई थी, और हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी पैठ बनाने में सफल रहे हैं। और जो इस उपचुनाव का जो एक बेहतर संदेश जा रहा है कि 4 साल में विफलता, तो आपको हर जगह देखने को मिला होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ये सीधी लड़ाई आपको दिख रही है। और मैं कहूं कि जो इस समय है, जो सरकार की नाकामियां रही हैं और जिन मुद्दों को लेकर वो सरकार में आए थे और जिसको इशू बनाया था भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे बुनियादी बातों को लेके, तो वो उसमें विफल रही है, न केवल विफल रही है, उसका ऐसा भोड़ा स्वरूप आया है जिसे लोग चकित हो गए देख के, कि जो पहले कहते थे कि काला धन हम वापस ले आएंगे और देश का सफ़ेद धन जिस तेज़ी से बाहर जा रहा है, और अब तो सारे लोग सशंकित हैं। इलाहाबाद में आप देखिए ना, जो दिल्ली में लड़के अनशन पर बैठे हैं, मैं आ रहा था रास्ते में, जो रोड शो का कार्यक्रम था राज बब्बर जी का, हाथ हिलाते हुए लड़के अनशन पर यहाँ धरने पर बैठे हुए SSC के एग्जामिनेशन पर, तो क्या हालत है, कहीं व्यापम का हो रहा है, कहीं SSC का हो रहा है, हर जगह दुखी तबके हैं। और इतना ज़्यादा जन समर्थन हमको मिल रहा है कि मैं समझता हूँ कि फूलपुर में एक लंबे अंतराल के बाद आपने नाम लिया जे एन मिश्रा साहब का, कि वो चुनाव लड़े, लाल बहादुर शास्त्री के, पंडित जवाहरलाल नेहरू की धरती रही है, जवाहरलाल जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, परिस्थितियाँ बदल गई, कैसे कैसे लोग यहाँ के प्रतिनिधि बन गए, और इलाहाबाद के संजीदा लोगों ने एक बार माना है, ठाना है कि एक बार फिर वो कांग्रेस से रिश्ता जोड़ रहे हैं, और इसी के लिए उनके मन में बात जाए, हमारे उम्मीदवार ने आनंद भवन से जाके नामांकन दाखिल किया और हमारे राज बब्बर जी ने रोड शो में कल एक तरह से औपचारिक समापन आज हुआ चुनाव प्रचार अभियान का, लेकिन रोड शो में जाने के पहले राज बब्बर जी ने स्वराज भवन जाके माथा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं पार्टी की ओर का, वहाँ हमारा स्वराज भवन में माथा उन्होंने टेका और फूल माला पहना के वहाँ से अपने अभियान की शुरुआत की। तो हम संदेश देने में कि नेहरू जी से नाता रहा है और तब क्या स्थिति थी दुनिया के पैमाने पे, जो प्रतिनिधि यहाँ के लोग गर्व से कहते थे, बाद में कैसे कैसे प्रतिनिधि आ गए, और उसमें एक सज्जन दोनों दलों के जो लोग हैं
तो समीक्षा कर रहे हैं नौजवान छात्र विद्यार्थी कर्मचारी मेहनतकश मजदूर, और हम समझते हैं कि सकारात्मक परिणाम आ रहा है और कांग्रेस के पक्ष में एक यहाँ जनादेश देने का मन बना चुके हैं और हमारी निश्चित रूप से विजय होगी, ऐसा हमारा मानना है। इस समय जब हम आपसे दफ्तर में बात कर रहे हैं, यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जगह हमारे बूथ के बस्ते जो गांव स्तर की टोलियाँ हमारी हैं अपने अपने गांवों में पहुँच गई हैं, और हम आश्वस्त हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कल मतदान पे बूथों पे हमारे सारे लोग परसों खड़े रहेंगे, खड़े मिलेंगे मुस्तैदी के साथ, और हमारी निगरानी है और हम निगहवानी भी है। निगहवानी सेंस में हमने कहा कि जो पोलिंग बूथ पर जब कहीं कोई किसी तरह की दिक्कतें आई जैसे आम हो रहा है तो उसका समाधान करने के लिए हमारी सचल टीम रहेगी, जो पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमने सेटअप बनाया है कि पांचों में हमारे सीनियर नेता चुनाव आयोग से जो परमिशन मिली है उसमें हमारे जिम्मेदार अहदेदारान जाएंगे और उसको देखेंगे, और हम इस चुनाव अभियान को सफलतापूर्वक जैसा हमने संचालन किया है हमको अपेक्षित परिणाम की पूरी पूरी उम्मीद है, ऐसा हम मानते हैं। सर 69 तक माफी ये जब जनार्दन जनेश्वर मिश्र यहाँ से जीते थे तब तक लगातार पंडित नेहरू से लेकर जनेश्वर मिश्र तक लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व जो है किसी न किसी ब्राह्मण उम्मीदवार ने किया। उसके बाद में स्थितियां बदली, राम पूजन पटेल जो आपके आखिरी सांसद हुए इस सीट से, उसके बाद में कांग्रेस कभी भी उस तरीके से लड़ाई में दिख नहीं पाई आज तक। मैं अगर मतलब तीसरे स्थान पे चौथे स्थान पे ज़्यादा थे जब मैंने चुनाव परिणाम पलटे तो स्थितियां वही रही, जबकि आपकी एक बड़ी भारी लेगेसी है। अभी मेरी कुछ कार्यकर्ताओं से जब पहले बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आनंद भवन जो है 2007 के परिसीमन के बाद में नौ का जो चुनाव हुआ 2007 में जो परिसीमन हुआ 2008 में अगर सही हूँ तो 2009 के चुनाव के बाद में आनंद भवन भी फूलपुर सीट में आ गया है। तो इस तरीके से एक फिर से एक वो विरासत जो है वो बिल्ड करने की कोशिश जो नेहरू गांधी परिवार की यहाँ से रही है, तो उसमें अभी आपका मैं जब 3 दिन से क्षेत्र में घूम रहा था तो इस तरीके का बहुत एग्रेसिव चुनाव प्रचार जैसा मेरे को बीजेपी का दिखा या SP BSP का दिखा वैसा मेरे को दिखा नहीं मतलब। तो इसके आप किस रणनीति से इस पूरे चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? देखिए आपने मुद्दे की बात कही, बीच में जाति धर्म की बात होने लगी थी और स्थानीय मुद्दों से भटका के उन लोगों ने लोगों को बांटने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी रहे उसमें, लेकिन जब मुद्दों की बात होगी, जब कामों की बात होगी तो निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी से कहीं साफ चेहरा है, कहीं हमारे स्पष्ट मुद्दे हैं। हम रोजी रोजगार की बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और हर तरह से जनकल्याण की बात करते हैं, वो खाली जुमलेबाजी करते हैं। तो अब जो बहुत विजिलेंट लोग हो गए हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का और सोशल मीडिया का इतना ज़माना आ गया है कि इस विजिलेंसी में लोग मुद्दों की बात करते हैं कि हमारे रोजी रोजगार की क्या होगा। पहले लोग सुन के कि अच्छे दिन आएंगे, नौजवान जो ताली बजाते थे आज उनको उबकाई आ रही है बीजेपी के नाम से, बीजेपी के सरकार के कामों से, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और वहाँ खड़े होकर जिम्मेदार अहदेदारान जो बीजेपी के हैं वो लोग कहते हैं कि भाई इसमें एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट तलाशी है, आप जाके किसी ने जुमला दे दिया कि पकौड़े बना के भी एक जुमला दर जो SSC के जो व्यापम में खड़े होते हैं उनके खिलाफ कि नौकरी में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई रोज़गार यहाँ तलाशी है, आप चाय की केतली में तलाशी है, रोज़गार के पकौड़े में तलाशी है। अगर किसी गार्जियन ने किसी ने पढ़ा के उसको MBA की डिग्री दिलाई, इंजीनियरिंग की डिग्री दिलाई और उच्च इस तरह से उसको अपने मेहनत की कमाई के पसीने से उनको पढ़ाया लिखाया और उनको यहाँ से प्रेरित किया जाए, जो प्रतिभाएं हो सकती हैं, इसलिए नहीं कि क्योंकि उसके हम दिशा बदल रहे हैं, हमारी दृष्टि बदल गई है और विजिलेंसी इतनी आ गई है कि लोग उसको समझ रहे हैं और कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरा यही मानना था जो निवेदन आपसे किया कि पहले जो जाति धर्म के नाम पर थे और उसमें लोग चले जाते थे, अब देखिए इसमें स्पष्ट देख रहा है कि न केवल ये नहीं कि हमारा उम्मीदवार ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का समर्थन मिल रहा है, इसमें उसकी इतने लोग हैं कि आप ये देख रहे हैं कि एक अच्छे परिवार का कैंडिडेट के ऊपर पार्टी के ऊपर भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उनको लगता है कि कांग्रेस एक बेहतर पार्टी है और कांग्रेस ने एक बेहतर उम्मीदवार दिया हर तरीके से, तो इसका बड़ा भारी असर पड़ रहा है और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
तो इस देश में जब सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की बात होती तो कांग्रेस इस देश में अपने आप को सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ी सबसे बड़ी झंडा बदार बताती है। अब आपको ये आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं खासतौर पे कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने मतलब यहाँ से कैंडिडेट देके गोरखपुर से कैंडिडेट देके फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कमज़ोर करने का काम किया है, तो इसके ऊपर मतलब तमाम तरीके की सफाइयाँ आ चुकी हैं वैसे मीडिया में राज्य कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? ये क्या है कि कांग्रेस बराबर सिद्धांतों की बात करती है, हमारी भाषा सुविधा के हिसाब से नहीं बदलती, जो हम कश्मीर में बात करते हैं वही कन्याकुमारी में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप हमसे बात कर रहे हैं, मेघालय में दूसरी भाषा बोलते हैं, अरुणाचल में दूसरी भाषा बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में दूसरी भाषा बोलते हैं, यहाँ अयोध्या में आएंगे तो दूसरी भाषा बोलेंगे। बहुत से आपके चैनल पर ही लोग देखते हैं कि टोपी पहने हुए बहुत से लोग, और स्वयं मोदी जी वहाँ चले जाते हैं और जाके किस तरह की दुबई में जाके वो नमाज के समय खड़े होके या कहीं अजान आती है खड़े हो जाते हैं, योगी जी खड़े हो जाते हैं तो योगी जी कहते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता हूँ, इसका मुझे फ़ख्र है। संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम शपथ लेते हैं उसमें कहते हैं कि बिना भय पक्षपात के, बिना धार्मिक आधार पर हम विभाग इसको पूर्वाग्रह के सभी, आपकी राजनीति इन लोग मतलब इसी के तो खिलाफ है मतलब विचार, लेकिन आपने उम्मीदवार तो उतार दिया ना, मतलब जो 2017 में आपका गठबंधन था वो गठबंधन तो एक तरीके से फेल्योर साबित हो गया ना दो ही साल के भीतर। गठबंधन राजनीतिक कारणों से होते हैं, हमारा गठबंधन हुआ था सिद्धांत, हम कांग्रेस जो है हमेशा सत्ता के लिए नहीं मेल करती है, हम सिद्धांतों के आधार पर तालमेल करते हैं, आपने देखा है, हम खाली इसके लिए नहीं करते हैं। ये तो आपने बीजेपी के साथ देखा कि पीडीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाने के लिए समझौता किया, अभी जहां बात आ रही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वहाँ इनके कारनामे जो हो रहे हैं कि जो अलगाववादी ताकते हैं नागा में, त्रिपुरा में और दूसरी जगह पे, वो अरुणाचल में, हर जगह उनसे हाथ मिला के चल रहे हैं, जो आपके देश के संविधान को नहीं मानते, जो चाहते हैं कि अलग वो देश बना लें, उन लोगों के साथ बैठ के सरकार चलाते हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया है, कई ऐसे अवसर आए कांग्रेस भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन हमने इस तरह के लोगों से हाथ नहीं मिला है। तो कांग्रेस और इनमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है, इनकी सोच में फ़र्क है, इनके कामों में फ़र्क है। सर आप गठबंधन के ऊपर और अपना उम्मीदवार उतारने में थोड़ा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बचना क्यों चाह रहे हैं इस बात पे? गठबंधन देखिए, समाजवादी का मेरा ये मानना है कि इन दोनों का वो मौसमी गठबंधन है, सुविधा के हिसाब से हुआ है, और सुविधा के हिसाब से आप स्वयं जानते हैं कि राज्यसभा में लेन देन का गठबंधन है, तो इस तरह के गठबंधन से कांग्रेस का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कभी रिश्ता नहीं रहा, ये तो अभी समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन है, राज्यसभा विधान परिषद में एक हाथ से लेना दोनों हाथ से देना, अगर लेन देन के आधार पर है तो उसको तो जनता को रिजेक्ट करना चाहिए, और हम समझते हैं कि ये पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोग इतने समझदार जरूर हैं कि लेन देन में हिस्सेदारी करने में जो इस तरह से सीधे स्पष्ट हिस्सेदारी करना चाहते हैं, ये एकदम मैसेज साफ है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ, फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ और फासिज्म के खिलाफ एक ही पार्टी लड़ सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है, और आप देख रहे हैं कि बहुत साफ गोई से हमारे नेता राहुल गांधी हर मंचों पर इसकी ज़ोरदार मुखालफत करते हैं, कई लोगों की तो आवाज़ बंद हो जाते हैं स्पष्ट बात कहने में। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, आपका नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। मैं गुजरात का चुनाव कवर कर रहा था सर, एक महीने में लगभग गुजरात का चुनाव हम लोगों ने ललन टॉप ने कवर किया, मैंने ये देखा कांग्रेस ने एक मोमेंटम गेन तो किया था, लेकिन उसके बाद में बूथ पे जाके वो मोमेंटम जो है वो एकदम कुंद साबित हुआ। आपके बूथ मैनेजमेंट का आपका इस बार इस चुनाव में आप लोग किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी का जो मोडस ऑपरेंडी हम लगातार देख रहे हैं वो छोटे से छोटे चुनाव को बहुत पूरी ताकत झोंक के और बूथ के लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से लड़ने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस में वो चीज़ जो है वो कहीं कहीं ना कहीं कहीं हम लोगों को लगातार कमी दिखाई दे रही है। आप इस चुनाव उपचुनाव में आप किस तरीके से बूथ मैनेज करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमने बूथ मैनेज करने का एक आधार बनाया है अपने कार्यकर्ताओं से, जो हमारी NSUI की टीम है, यूथ कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस सेवा दल की टीम है, अनुसांगिक संगठन हमारे जो हैं प्रकोष्ठ हैं, उनको सब लोग इस काम में लगे हुए हैं, अपना जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, धनबल में हम मुकाबला बीजेपी का आज के दौर में नहीं कर सकते, और ये खुला खेल है कि दो सीटों पर सरकार बना रहे हैं, तो ये तिकड़म कांग्रेस को नहीं आती है,
बूथों पर और सरकार बनाने में ये तिकड़म का इस्तेमाल हम करें, इसमें जरूर हम फेल हैं, ऐसा अगर आप मानते हैं। आपका वही कहना है जो मतलब त्रिपुरा में कॉमरेड कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव को बहुत महंगा बना दिया है। ये स्पष्ट है, ये आप देखें उनके हाइट, वो जो ये कर रहे हैं उनके काम करने का ढंग है, और हमारा तो जो धनबल का जो प्रयोग हो रहा है राजनीति में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी हम आश्वस्त हैं कि इलाहाबाद और पूर्वांचल के लोग इससे विचलित हुए बिना कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, और हमारे कार्यकर्ता किसी भी इस तरह की दुष्प्रेरणा का कड़ाई से जवाब देंगे। और हम गांधी के लोग हैं, हम गांधी के लोग हैं, शांति और अहिंसा में विश्वास करते हैं, और सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही पार्टी खड़ी हुई, और उसी के अनुरूप चल के हम मानेंगे नहीं, अपना लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। और लोगों की जो भीड़ आ रही है हमारे साथ, देखिए बिना संसाधन के, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, जो आपसे निवेदन किया कि हमारे साथ जनता का रुझान है, और ये सीट हम तो निश्चित ही जीतने जा रहे हैं जहाँ हम आप बात कर रहे हैं। यही चुनाव का असली रंग होता है कि चुनाव में वोट पड़ने से पहले और नतीजे आने से पहले हर उम्मीदवार और हर पार्टी अपने जीत के लिए आश्वस्त होती है। हमारे साथ और भी कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? रमेश पांडे, एक्स प्रेसिडेंट इलाहाबाद मंडल विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार, कांग्रेस के सीनियर लीडर। कांग्रेस के सीनियर लीडर, तो आप कांग्रेस में कितने साल से जुड़े हुए हैं? 71 से मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पदाधिकारी हूँ। 71 से, तो 71 के चुनाव की कुछ याददाश्त है आपके दिमाग में? मतलब इंदिरा जी गरीबी हटाओ का नारा दे के और पूरी तरीके से, और उस समय यहाँ से आपके सोराव विधानसभा से वीपी सिंह जो है पहले विधायक हुआ करते थे, उसके बाद में उनको यहाँ फूलपुर से मौका दिया गया, तो वो चुनाव के आपको याद है जो उस तरीके से? सोराव में जब हम चुनाव लड़ाने वीपी सिंह साहब को गए थे, तो वहाँ पर जो है पहले तो गैर कांग्रेस दल के लोगों ने एक सलूफा छोड़ा वहाँ पे कि राजा हैं राजा हैं राजा हैं, लेकिन हमने लोकतांत्रिक ढंग से हमारी जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं, कांग्रेस के सिद्धांत हैं, उनके माध्यम से जब हम ऑर्गेनाइज करके चुनाव लड़े तो हम उसमें चुनाव में विजयी हुए जनता के बीच में। और कांग्रेस हमेशा विकास की राजनीति करती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इतिहास उठा के देख लें, कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं इफ्को फैक्ट्री दिया, कांग्रेस ने महुआइमा में कताई मिल दिया, कांग्रेस ने झूंसी में आपके पुल दिया, कांग्रेस ने आपको फाफा मऊ में पुल दिया, कांग्रेस ने आंगनबाड़ी स्कीम दिया, कांग्रेस ने आपको आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया में दिया, कांग्रेस ने आपको पॉलिटेक्निक स्कूल दिया, कांग्रेस ने हर ब्लाकों में 32-32 बेड के सरकारी अस्पताल दिए, कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, कांग्रेस ने आपको मेडिकल अस्पताल दिया, कांग्रेस ने कमला नेहरू ट्रस्ट के माध्यम से जो है महिलाओं के लिए अस्पताल दिया, कांग्रेस ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिया। यही भर नहीं, कांग्रेस ने हमारे जो है महिलाओं के विकास की योजनाएँ चलाई, हमारे जो गाँव में है स्वच्छता मिशन चलाया है, स्वच्छता मिशन हमारा चलाया हुआ है। हमने जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और यहाँ पे श्याम सूरज जी उपाध्याय ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय हम लोगों ने गांव में लैट्रिन की योजनाएं चलाई, तो तमाम जो डिग्री कॉलेज खोले, इंटर कॉलेज खोले, लड़कियों के लिए GIC स्कूल हमने खोला, हमने जो है यहाँ पे आपके टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। और यही नहीं, 60 साल का शासन रहा है आपका, हमारे कांग्रेस ने आपको इधर आप देख लीजिए, हमने आपको नैनी में इंडस्ट्रियल एरिया दिया, हमने ITI दिया, BPC दिया, TSL दिया, केबल्स दिया, रेमंड दिया, हमने आपको स्वदेशी कार्डन मिल दिया, तमाम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमने इंडस्ट्रियों के स्थापना कराई, तमाम दशक आप सत्ता में भी तो रहे सर, मतलब केंद्र में 6 दशक आपकी सत्ता भी रही। लेकिन मैं आपसे थोड़ी मेरी सुई उसी कहानी पे अटकी हुई है, मतलब 71 का चुनाव अभी मेरे दिमाग में वही फंसा हुआ। मैं अभी आपको फिर बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप शासन में रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भाजपा की सरकार थी और भाजपा के यहाँ से MP थे, भाजपा के लोग यहाँ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कोई एक कल कारखाना स्थापित किया है? इसका तो मेरे पास भाई, मैंने तो इतना किया, लेकिन जितना मैंने बताया
और तमाम विकास की योजना अभी, और मैं आपको सैकड़ों विकास की योजनाएं गिना सकता हूँ। ये तो हर हर राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में रही है, एक मिनट माफ कीजिएगा, उसके 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 जेब में इस तरीके की योजनाएं आपको हर हर आदमी हर राजनीतिक कार्यकर्ता अपने झोले में लेकर चल रहे हैं। मैं 71 के चुनाव में फिर मेरी सुई अटक गई है, मतलब नया चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा और एकदम इंदिरा जी आती हैं और यहाँ पे वीपी सिंह खड़े हैं, वो चुनाव चिन्ह में आपको उस समय लिटरेसी रेट इतनी नहीं थी। मेरी जिज्ञासा अभी भी वहीं अटकी हुई है कि आपने लोगों को कन्विंस कैसे किया नए चुनाव चिन्ह में, जब उनके पास दो बेलों का जोड़ा जो है नया जो पुराना चुनाव चिन्ह हुआ करता था कांग्रेस का वो नहीं था, तो समय 71 के चुनाव में कैसे कन्विंस किया, क्या चुनाव प्रचार, वो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ी तफसीलात अगर हमको दे पाएँ तो। देखिए ऐसा है, मैं उस समय छात्र नेता था, नौजवान था, हम लोग बीपी सिंह के साथ हर गांव-गांव यात्रा किया करते थे और जनता से कहते थे कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम इस क्षेत्र में विकास करेंगे, हम यहाँ पे नई योजनाएं ले आएंगे, और हम ले गए गंगा पार में, जैसा मैंने योजनाओं के बारे में आपको बताया। हाँ, और इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में हमने चुनाव जीता। इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व प्रदान करने वाली लीडर तो हमने आज तक देखा ही नहीं, मैं उन्हीं से प्रभावित होकर कांग्रेस में आया। और हमारे जो फादर थे, हमारे ग्रैंड फादर थे, बाबा लोग थे, वो भी कांग्रेस से जुड़े थे, बलिदानों का इतिहास, खानदानी कांग्रेस ही रहे हैं। हमारे साथ आपका सर क्या नाम है? अभय अवस्थी। अभय अवस्थी, आपसे मेरी बात हो रही थी पहले भी, जब मैं यहाँ आया था दिल्ली से, आपसे मेरी 62 के चुनाव के सिलसिले में बात हो रही थी, जब नेहरू जी के खिलाफ लोहिया चुनाव लड़ रहे थे, उस समय शायद आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, तो कुछ उस चुनाव के संस्मरण आपके जहन में है अभी? देखिए, डॉक्टर लोहिया और नेहरू का चुनाव इलाहाबाद में आज एक माइलस्टोन जो है, एग्जाम्पल है। डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़ते थे, जो देश के सबसे बड़े समाजवादी प्रखर प्रवक्ता कहे जाते, और जानकर ताजुब होगा आपको कि नेहरू जी डॉक्टर लोहिया के मूवमेंट के लिए उनको जीप मुहैया कराते थे, उनको पैसा मुहैया कराते थे, और इतना ज़्यादा जो है लोगों के अंदर जो है उस ज़माने में आत्मीयता थी पक्ष और विपक्ष की, कि दिन भर भाषण करते थे डॉक्टर लोहिया नेहरू के खिलाफ, और नेहरू जी खुला चैलेंज देते थे कि तुम्हारी जो विचारधारा है जिसको तुम समाजवादी कहते हो, तुम्हारा जो समाजवाद है वो मेरे समाजवाद के आगे बौना है, जाओ तुम पूरी कोशिश करो, लेकिन कांग्रेस के समाजवाद को तुम नहीं पकड़ पाओगे। और डॉक्टर लोहिया जाते थे, दिन भर थके मांदे चले आते थे, शाम को आकर नेहरू जी के साथ आनंद भवन में चाय भी पीते थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि तब वैचारिक जो है स्वतंत्रता थी कि आप अपने तरह, आज की तरह तल्खी नहीं थी, शब्दों की नीचता ही नहीं थी, जिन शब्दों का जो है प्रयोग करके वर्तमान समय में लोग बहुत अंतर्राष्ट्रीय अपने आप को नेता समझ रहे हैं, ऐसा नहीं था। तब जो है टू द पॉइंट होता था, आपके किए गए कार्यों पर एक समीक्षात्मक और एक जो है कैलकुलेटिव अटैक होता था कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे ये खामियां हैं, तो उसको नेहरू जी अगर कायदे का होता था सुनते थे, उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो इस तरीके से चुनाव होता था, इस तरीके से नहीं कि धन बल और बाहुबल का जैसा आज प्रयोग लोग कर रहे हैं। आज वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, आज हिंदू पोलराइजेशन के सवाल पर योगी जी कह रहे हैं कि मैं ईद नहीं मनाता हूँ। अरे योगी जी, राजनीति को कांग्रेसी आपकी बहुत समझते हैं, आप करना क्या चाह रहे हो हम भांप रहे हैं। आप बताना चाह रहे हो कि नरेंद्र मोदी अब मजारों पर जाने लगे हैं, दुबई में मस्जिदों में जो है खड़े होने लगे हैं, तो आप ये संदेश देना चाह रहे हो कि मोदी, जैसे मोदी ने संदेश दिया, आडवाणी जी जो है जिन्ना की मजार पर चले गए, और मोदी युग आता है और आडवाणी को जो है वो क्या बोलते हैं, नहीं वो कौन मंडल है, संरक्षक मंडल में डाल दिया। योगी जी का ये बयान अब मोदी जी को संरक्षक मंडल में डालने जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग भांपते हैं। लेकिन ये कट्टरता और ये नीचे स्तर का जो है बयान देकर, हम पोलराइजेशन तब नेहरू और लोहिया के दौर में नहीं होता था। और एक आपको बहुत सुंदर उदाहरण बता रहा हूँ कि नेहरू जी उसके पहले का चुनाव जो है
वो भारत साधु समाज पार्टी जो हिंदुत्व का तब प्रतिनिधित्व करती थी करपात्री जी महाराज ने बनाया था, रामराज परिषद करके भारत साधु समाज और ये सब साधुओं का एक जो है रामराज परिषद था, तब चुनाव लड़ते थे। तब से ये प्रोपोगेंडा हो रहा है कि ये जवाहर है, ये मुसलमान है। और तब जो है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेहरू जी को अचकन के अंदर से अपना जनेऊ निकाल के पब्लिक में दिखाना पड़ा कि जो है मैं ब्राह्मण हूँ। नेहरू माने कश्मीर का जो है नहर पार का ब्राह्मण। तो इस तरीके का जो है अटैक कांग्रेस को घेरने के लिए तब भी होता था और आज भी भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप जगत के माध्यम से और अपने जो है मंचों पर, इनके बड़े बड़े नेता मंचों पर भी इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उनकी जात और धर्म। अरे क्या तमाशा कर रहे हो, आनंद भवन और स्वराज भवन से हिंदुस्तान को लोकतंत्र नहीं मिला, पूरे एशिया में कॉलोनियल रूल के खिलाफ इसी स्वराज भवन में कांग्रेस के अधिवेशन से आह्वान हुआ 2004 या 5 में, अरे 1904 या 5 में। अब पूरे एशिया के अंदर लोकतंत्र की कलियां जो है खिली, वो नेहरू परिवार। अरे मेरिट पे बात करो, सत्ता आती जाती है, सत्ता आज है तो कल तुम भी भूतपूर्व हो जाओगे, लेकिन किसी का चरित्र, किसी की निजी जिंदगी, किसी की जात को ये जो तोड़ने का उपक्रम है, ये अद्भुत है। इन लोगों के पास ये बड़ी भारी इसकी कला है और ये कला अब पीछे जो है डाउन टूवर्ड्स हो रही है और ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि 19 में। एक सवाल अभी आप कर रहे थे, उसका जो है वो शायद हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं बच रहे थे। मैं खुली बात आपसे कहना चाहता हूँ कि गठबंधन क्यों आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, अरे मैं सीधे पूछता हूँ कि उपचुनाव लोकसभा का हो रहा है, विधानसभा का हो रहा है या नगर निगम का हो रहा है? विधानसभा का था, हमने गठबंधन तुम्हारे स्टेक पर किया, लोकसभा में कांग्रेस बड़ी स्टेक पे है कि मुलायम सिंह की 5 आदमी की पार्टी बड़े स्टेक पे है? हमारे आधार पर गठबंधन लोकसभा का होगा ना, हमने तो कहा था, राज बब्बर जी ने कहा था, हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि आइए गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हैं, इलाहाबाद नेहरू की जमीन है, यहाँ कांग्रेस को लड़ने दीजिए, गोरखपुर समाजवादी पार्टी लड़ ले। मायावती जी ने कह ही दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि पूरे 4 साल में मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने अगर मोदी के खिलाफ एक भी हल्ला बोला हो तो मुझे याद दिला दीजिए। मायावती जी ने योगी के खिलाफ 9 महीने के अंदर या साल भर के 11 महीने के अंदर या केंद्र की सरकार के खिलाफ अगर एक भी जो है कोई अभियान बोला हो तो आप जरा सा हमको याद दिला दीजिए। आय से अधिक संपत्ति के सवाल पर दोनों को लालू यादव की तरह अपना हश्र दिखाई देता है और मोदी जी वही डरवा कर इनको कहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन न करना वरना जेल चले जाओगे। तो इन चीज़ों को जनता को बताना है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है सेकुलर फोर्सेस को, तो कांग्रेस के अलावा देश की राजनीति में, पार्लियामेंट की राजनीति में कोई दूसरा नहीं। 5 सीट पूरे एक ही खानदान के 5 लोग हैं समाजवादी पार्टी के संसद में। 5ों ने कभी मोदी के खिलाफ कोई जो है बड़ा बयान दिया क्या पार्लियामेंट के अंदर? तो ये तमाशाबाजी बंद करिए, विधानसभा स्टेट लेवल के इलेक्शन को आप अपने तरीके से लड़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन दिल्ली की लड़ाई को, पार्लियामेंट की लड़ाई को राहुल गांधी के ही नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, मोदी जी का जादू जो है वो रोका जा सकता है और ये होगा भी। आप आओ तो ना आओ, TDP आज टूट रही है, आज तमाम जो है विभिन्न जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको कि लग रहा है कि मोदी जी ने बेवकूफ़ बना दिया, ये कौन सा दर्शन है? हम अपनी मुफलिसी में, हम अपनी गुर्बत में पकौड़ा क्या, भीख भी मांगना जो है एक मजबूरी है इंसान की, लेकिन कोई भी सत्ता, कोई भी स्थापित सत्ता किसी पढ़े लिखे MBA, LLB और MA के विद्यार्थी को ये कहे कि पकौड़ा बनाना ही रोजगार है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात इस देश के जो है हुक्मरानों के लिए दूसरी नहीं हो सकती। अरे पकौड़ा तो इंदिरा जी ने बनवा दिया था, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को
जिनको घुटने के बल जो है बैरिक्स में खड़ा किया, उनसे वापस जब गए तो उनसे हथियार पाकिस्तान की जो है मिलिट्री ने छीन लिया, वो आज पकौड़ा बेच रहे हैं वहाँ। पकौड़ा तो मजबूरी में बिकवाया जाता है मेरे भाई, पकौड़ा जो है वो फन के साथ या कोई जो है एक गुलशन खिला कर नहीं पकाया जाता। ये एक तमाशा है, ये एक परिवर्तन है राजनीतिक जो है दृष्टिकोण से। और अब कहने का मतलब ये है कि बस केवल जरा सा मेरा ये निजी मत हो सकता है, मैं पार्टी के तरफ से ये बयान नहीं दे रहा हूँ, कि वो रेडिकल इश्यूज़ जिस पर कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज जो है डिस्को कर रही है, रेडिकल इश्यूज़ को हम उठा नहीं सकते। हम संविधान से बंधे हुए लोग हैं, जो नेहरूवाद है, जो इंदिरावाद है, जो गांधीवाद है, हम उसका संकल्प ले चुके हैं और उसी संकल्प के साथ रह सकते हैं, उसी संकल्प के साथ राजनीति कर सकते हैं, परिणाम चाहे जो हो। लेकिन युग बदलते देर नहीं होती है। कल अटल युग था, अडवाणी युग था, आज मोदी युग है, कल किसका युग होगा ये राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं करता। लेकिन जो हमारे सिद्धांत हैं वो 125 साल पुरानी पार्टी का, जो गांधी ने स्थापित किया है, जो नेहरू ने स्थापित किया है, हम बिना विचलित हुए हम उन्हीं मार्गों पर चलेंगे और हम इनकी छाती पर पैर रखकर हम दिल्ली की सरकार जो है फिर से वापस लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। घड़ी में मेरे पीछे जो घड़ी लगी है उसमें लगभग 9:20 के तकरीबन का समय हो रहा है और हम लोग अभी कांग्रेस के दफ्तर में हैं। हमें दो और सियासी पार्टियों और या कहिए एक निर्दलीय पार्टी उम्मीदवार और एक सपा के कैंडिडेट के का दफ्तर भी आपको दिखाना है इसी रात, तो देर थोड़ी हो रही है, बातें खूब सारी हैं आपसे, और भी बातें इसी तरीके से होती रहेगी। आप ललन टॉप के यूट्यूब चैनल से, आप ललन टॉप के फेसबुक से जुड़े रहिए हमसे लगातार।